जी अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन सर, जगह ये जिधर मैं आया हूँ इस वक्त ये बिल्कुल जन्नत के नज़ारे, इंतहाई खूबसूरत और सारे बिल्डिंग्स ही देखने वाली हैं, एक दूसरे से बढ़ के एक घर बना हुआ है। और मैंने गाड़ी पार्क की है सामने बिल्कुल, अभी निकलूँगा वापस तो छत छत खोल के निकलेंगे। तो ये है कि जनाब बड़ा खूबसूरत तरीन, अब कैमरे में हर चीज़ नज़र भी नहीं आती। और मैंने आपको बताया इस तरह मैं भी वीडियोस कम बनाता हूँ और मैं खुद ज़्यादा एंजॉय करता हूँ तो, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखाने की। घर दिखाता हूँ आपके, ये देखिए इस तरह के घर बने हुए सारे एक जैसे ही सारे बने हुए वाइट कलर के और बड़े खूबसूरत। ये अपने पाकिस्तान में बड़े फूल होते थे, अब पता नहीं है कि नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने भी देखा, मैंने कहा चले तो कुछ ना कुछ खाने पीने के वाला होगा, हालांकि भी नाश्ता किया लेकिन चले कुछ शेक वगैरह पियेंगे अभी। ये है जी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ अभी, ये है होटल है एक और साथ है रिजॉर्ट है, और इसके आगे सारा जो है वो बना हुआ है सहरा है सारा, और व्यू पॉइंट है सारा बड़ा अच्छा बना हुआ। आवाम काफ़ी है, गर्मी भी काफ़ी है, फुल टिका के पड़ रही है। मैं भी हाफ स्लीव में लेकिन पहनी मैंने जीन्स हुई है क्योंकि मैंने अब सुबह निकला, मैंने रात को वापस जाना है, और यह है कि शाम ज़रा ठंडी हो जाती है, मैंने पहाड़ी इलाकों में भी जाना है तो इसलिए ज़रा मैं जीन्स वीन्स में निकला हूँ। लेकिन यह है कि जगह बड़ी चिल है, बड़ा रिलैक्सिंग माहौल है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे। ये देखें ये है जगह, आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम खानी जरूरी है यार, खाई नहीं आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हैं अभी। कोई या तो मिले ना मोटरसाइकिल तो बंदा अंदर जाए ना, यहाँ पर क्या करना है आगे जाने के लिए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन छाए दूरा से मैंने साइकिलिंग साइकिल रेट पर चलना नहीं लिहाजा नो साइकिल। आगे नहीं आके एक बड़े मशहूर पोर्ट पे, और पोर्ट पे आपको दिखाएंगे जी के पोर्ट पे क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या रूटीन है लोगों की और क्या कार्य दुनिया, तो लिहाजा हम आपको भी दिखाते हैं जी। छत बंद कर दें, गाड़ी की चोरियाँ भी होती हैं बाहर, यहाँ पर भाई जान गलियाँ यहाँ की बड़ी प्यारी हैं छोटी छोटी। ये पोर्ट है जी यहाँ का बड़ा मशहूर, इसके अंदर आपको मछलियाँ नजर आएंगी, साफ सुथरा पानी है, लेकिन मछलियाँ छोटी छोटी हैं। जी वैसे ये छोटी छोटी गलियाँ जो हैं जी मुझे याद दिला रही हैं, मैं गया था स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर एक मेरा फेवरेट गांव है ज़रमत उसका नाम है, ये गलियाँ जो हैं इसकी बड़ी याद लगती है, बिल्कुल सेम स्टाइल में गलियाँ बनी हैं वहाँ पे,
और नेचर बहुत बहुत खूबसूरत है वहाँ पर। और यहाँ पर भी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ बिल्कुल नज़र आ रही होंगी आपको, बड़े सारे अपार्टमेंट्स हैं। आप यहाँ पर रेंट पर लेके घर में रह सकते हैं। वही बात है, जिसने यहाँ रहना है उसने बीमार क्या होना है। मैं सोच रहा हूँ किसी हाई पॉइंट पे, किसी टॉप माउंटेन टॉप पे जाऊँ और जाके देखें कि व्यू कैसा है वहाँ से। अदरवाइज़ फिर मेरे पास से एक दो और मैंने पार्क भी सोचे हैं, उधर भी जाना है अभी, वो तो फिर ऑप्शन में है ही है। मतलब हल्की हल्की भूख भी लग गई है, कोई चीज़ खाने पीनी चाहिए। बस मेरा ख्याल है टाइम हो गया खाने का। यहाँ पर बज गए हैं 3:30। नाश्ता मैंने लेट किया था और नाश्ता मैंने हैवी टाइप का किया था, तो इसलिए अभी इतनी भूख नहीं लगी, लेकिन कुछ ना कुछ खाएंगे। पानी की बोतल भी लेनी है, क्योंकि गाड़ी में छत खोल के आया हूँ तो वो पानी मैंने गाड़ी में रखा हुआ था वो गर्म हो गया, तो आप ठंडा पानी लेते हैं क्योंकि ठंडे पानी के बगैर गुजारा नहीं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, सारे घर ही सफ़ेद रंग के बने हुए, ये देखें एंड तक। वो मेरा ख्याल ऊपर बना हुआ है वो मेरा दौर, इसको कहते हैं स्पेनिश में व्यू पॉइंट। तो ये सारा ब्लू जोन है और ये पहाड़, और मैं जाना चाहता हूँ उस एरिया में जहाँ पे वो पहाड़ हैं लावे वाले, लावा जिसमें से निकलता है, और बिल्कुल कोयले के पहाड़ बने हुए। खैर अभी रूट मेरा बड़ा लंबा है अभी सारा कम। ये है जी यहाँ का बीच, लेकिन बीच के हालात माड़ी हैं, सारी बात है बीच बीच है, तो इसलिए मैं बीच में नहीं जा रहा अभी। आवाम बहुत ज़्यादा है वैसे यहाँ पर, मज़ीद डिटेल से मैं नहीं दिखा सकता आपको अभी। ये साथ साथ रेस्टोरेंट है, किसी रेस्टोरेंट पर बैठ के कुछ खाते पीते हैं बस। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब मैंने ब्रेक ली है थोड़ी देर, मैंने कहा रेस्ट करें और ये नज़ारे इंजॉय करें, पीछे देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये पीछे खाइयाँ और पहाड़, और ये सारे पहाड़ हैं कलर के हैं, क्योंकि सारे निकलते हैं तस्वीर सारे। और पहाड़ों में मगरमच्छ और वो किरले भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशन लिखी हुई थी बैक साइड पर, इसलिए मैंने कहीं पर रोकी नहीं। इधर ओपन जगह थी, मैंने कहा यार रोक, लेकिन बड़ा इंजॉय किया। डेस्टिनेशन मेरी भी यहाँ से है तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव और है, उधर से व्यू है पूरा समुंदर का और जनाब पहाड़ों का, और बड़ा खूबसूरत बड़ा उसका मैंने जिक्र सुना है। मैंने कहा चले जाके देखते हैं क्या कैसी है जगह, तो मैंने कहा जी आपसे भी शेयर करें थोड़ी सी, ये जगह बड़ी खूबसूरत है। पहुँच तो मैं गया हूँ, लेकिन हवा बहुत तेज़ है, लेकिन आपको मैं
नहीं, तो सफ़र मेरा बहुत अच्छा गुजरा और बड़ा खूबसूरत आइलैंड था, जजीरा था और बहुत मज़ा आया। तो अब मेरी वापसी है जी बार्सिलोना। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको ऐसे ही मैं डिफरेंट जगहों की सैर करवाता रहूँगा। हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।